मैंने एक वीडियो बनाया था व्हाई थर्ड पार्टी सिचुएशन इन ट्विन फ्लेम जर्नी। तो मैंने जो भी मेरे डीएम की थर्ड पार्टी थी उसकी जन्म कुंडली मेरे पास थी, तो मैंने देखा कि इनका जो है बहुत सालों से, क्योंकि 20 ईयर्स का आई थिंक शनि की महादशा का टाइम होता है, तो उस शनि के महादशा में शनि जो है चाहते हैं कि आप जो हो 3D की इस चमचमाहट से दूर रहो, बट सोल जो है नहीं समझती है। तो जो भी है कि इनका सिचुएशन ऐसी रही कि शनि ने इनको जो है बहुत अच्छा पार्टनर दिया, डिवाइन सोल दी, बट कुछ समझाने की भी जो है कोशिश की, शिरडी जैसी जगह दी, बट वो जो है नहीं समझ पाते। और मैंने देखा कि कुछ दिनों पहले, शायद 1 साल हो गया, 6 महीने हो गया, पता नहीं कितने दिन हो गया, भवरा काटने को आ रहा है सॉरी हाँ, तो 1 साल हो रहा है। और हाँ, तो शनि लास्ट इनका चल रहा था उसका, शायद कुछ शनि में गुरु की इनकी जो है अंतर्दशा चल रही थी। तो मैंने उसमें एक्सप्लेन किया उस वीडियो में कि ऐसे में जो होता है आध्यात्मिक चीज़ों की तरफ आकर्षण इंसान का बढ़ जाता है, अच्छे कर्म करना, शनि को जो है अध्यात्म पसंद है, उदासीनता पसंद है, मतलब ये जो है जो 3D की चमचमाहट है उसमें शनि को इंटरेस्ट नहीं है। शनि बोलता है कि अध्यात्म की ओर तुम जाओ, मैं मुझे एक्यूरेट राइट शब्द नहीं मिल रहे उसके लिए। तो मतलब उनकी भी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो, इसीलिए जो है ट्विन फ्लेम्स उनकी लाइफ में आते हैं, और उनको भी जो एक टावर मोमेंट उनकी भी लाइफ में आता है। अब मेरे हस्बैंड की डिवाइन फेमिनाइन है, वो ट्विन फ्लेम है, देखो उनके लिए भी एक झटका ही है ना, तो उनकी लाइफ में भी तो टावर मोमेंट आया। उनको भी जब डिवाइन मैस्कुलाइन को जो है फेस करना पड़ता है, इकोनॉमिक सब, जब डिवाइन फेमिनाइन चली जाती है तब लॉसेस उसके शुरू हो जाते हैं, फैमिली में झगड़े हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। तो उन उनके लिए भी वो लेसन्स होते हैं स्पिरिचुअल अवेकनिंग के, तो उनका भी जर्नी इतनी आसान नहीं होती है। बट जो एक ईगो होता है वो 3D की जो रियलिटी को है जो उसी को मानना चाहता है, वो 5D की समझो या कुछ भी समझो, स्पिरिचुअल रियलिटी को नहीं समझना चाहता। बट एक योग एक जीवन में ऐसा आ जाता है जब शनि और गुरु एक साथ आ जाता है, तो स्पिरिचुअलिटी की ओर इंसान जो है आकर्षित हो जाता है, उस मर्म को समझना चाहता है, वहाँ डूबना चाहता है बस। बाकी उसको अब जो है कुछ ऐसा लगता है कि जैसे कुछ रहा नहीं इस जीवन में, बस जो है वो ईश्वरी है, उसको जानना है, उसको समझना है। ये हो सकता है, अब मेरे डीएम की थर्ड पार्टी के साथ एग्जैक्टली क्या हो रहा है वो मुझे नहीं पता, बट मेरे पास एक केस आया था 2 दिन पहले, शायद वो ये वीडियो भी सुन रहे होंगे। तो मैंने ऑब्जर्व किया कि इनकी भी जो है शनि की महादशा में गुरु की अंतर्दशा शुरू है, और ये जो है मतलब हिंदू भी नहीं है, और इनको जो है स्पिरिचुअल अवेकनिंग शुरू हो गई। जन्म भी इनका जो है 84 का है, कुंडली भी जो है केतु जो है इनका वृश्चिक राशि में है, तो शनि की महादशा शुरू है, उसमें गुरु की अंतरदशा शुरू हो चुकी है। गुरु शनि जब एक साथ इम्पैक्ट करते हैं लाइफ में जो है स्पिरिचुअल अवेकनिंग की ओर उनको ढकेलते हैं, उनको आकर्षित करते हैं, उनको जो है माया ममता से दूर करते हैं, थोड़ा 3D की चमक से दूर करते हैं, और उनको जो है खींचते हैं। जैसे ईश्वर जो साई चरित्र में एक बात कही है कि जो भी मेरे अपने हैं मैं जो हूँ एक चिड़िया के पैर में जैसे धागा बांध के उसको खींच के लाता हूँ, तो बराबर मैं अपने पास उसको ले आता हूँ। तो ऐसे ही शनि की महादशा में जब गुरु की अंतर्दशा आती है तो इंसान को जो है खिंचाव शुरू हो जाता है, जैसे प्यार में पड़ते हैं तो लवर्स के लिए खिंचाव शुरू हो जाता है, तो वैसे ईश्वर की ओर खिंचाव शुरू हो चुका होता है। एंड आई एम वेरी ब्लेस्ड कि मैं ऐसे सोल से कनेक्ट हो पाई हूँ, और हर जाति धर्म के जो है मेरे पास कुंडली रीडिंग्स आते हैं, और मैं बिलीव नहीं कर पाती कि इतनी प्योर सोल से मैं कनेक्ट हो गई हूँ, जिनको जो है कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कौन कौन सी कास्ट का है, कौन सी धर्म का है, और वो इतने सरेंडर है ईश्वर के लिए। और मैं सिर्फ इन्हीं की बात नहीं करती हूँ, और भी मेरे पास जो है कई सारे लोग आए हैं जो कि मतलब ऐसे धर्म से है कि जिनको जो है मुझसे शायद बात तक करना पसंद ना हो, बट फिर भी मैं देखती हूँ कि उनके मतलब दे आर लाइक गॉडेस,
सीरियसली डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी उनके अंदर दिखती है, और उनकी कुंडली में भी जो है केतु जो है वृश्चिक राशि में है, जो कि जो मैंने वीडियो बनाया था, जो भी 84 में पैदा हुए लोग हैं उनका जो है वृश्चिक राशि में जो है केतु है। जब वृश्चिक राशि में केतु होता है या फोर्थ एट ट्वेल्थ हाउस में होता है, जल राशि में होता है, अग्नि राशि में सिंह मेष और एक धनु में भी होता है, तो वो जो है पावरफुल हो जाता है। और उस टाइम पे जो है इंसान को आध्यात्मिक चीज़ों के लिए है खिंचाव शुरू हो जाता है। आई एम नॉट श्योर अबाउट कि केतु, हाँ धनु राशि, परफेक्ट परफेक्ट, केतु धनु राशि में भी अच्छा होता है। तो कहने का मतलब है कि इनको मतलब अनकंडीशनली ईश्वर के जैसे आत्मा ना पुकार रही है कि मुझे जो है मेरे ईश्वर के पास जाना है, उसे समझना है, उससे रिश्ता बनाना है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो मेरा ईश्वर किस स्थिति में है, कौन सी कास्ट है, कौन सा धर्म है, मुझे इस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या रिश्ते हैं, मतलब कूद पड़ता है इंसान जो है, उसको सिर्फ स्पिरिचुअलिटी से प्यार हो जाता है। तो ये एक्चुअल ट्विन फ्लेम्स में भी यही होता है, और दुर्भाग्यवश जो है इसको एक प्रेम कहानी बना दिया गया है। ये प्रेम कहानी जो है एक दूसरे के पार्ट के साथ बहुत कम है, मतलब नाम मात्र कह सकते या नॉमिनल बस नाम जोड़ दिया है, अब तो याद भी नहीं करते एक दूसरे को, और ईश्वर से जुड़े हुए हैं, समझे आप। यहाँ लव स्टोरी जो है ईश्वर के साथ है, बट दुर्भाग्य से कुछ ऐसी आत्माओं ने जो है इतनी गंदगी फैला रखी है कि इस जर्नी को अगर जब तक आपका रियूनियन नहीं होता तो आप सक्सेसफुल नहीं हो, जब तक आप मतलब 3D में उन अपने ट्विन फ्लेम को नहीं पा लेते आपका सोल पर्पज नहीं पूरा हो जाता, ऐसी अफवाहों को फैला रखा है। जबकि इनका जन्म जो है बहुत ही प्योर पर्पस के लिए हुआ है, उनकी वाइब्रेशन जो है अमेजिंग प्योर है, और दुर्भाग्यवश कुछ ऐसी सोल्स भी जो ट्विन फ्लेम्स है न्यूली न्यूली, हाँ जो मैंने कहती कि बाद में भी इनके अंदर ये रहता है, जब ये इनकी पूरी अवेकनिंग हो जाती है तो ये समझ जाते हैं कि दिस जर्नी इज नॉट कि ये कोई लव अफेयर, दिस इज नॉट दिस जर्नी। अब आप सोचोगे कि मेरा मेरे DM के साथ रियूनियन नहीं हुआ इसलिए मैं ऐसी बातें कर रही हूँ, नहीं, मैं उस लाइट को महसूस कर रही हूँ और मैंने जो है अपने जीवन में स्टार्टिंग से ही उस लाइट को महसूस किया है कि वो ऐसा लाइट है कि आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं उसके आगे जो है, इतना अमूल्य है वो लाइट कि कोई मतलब उसके बराबरी कोई नहीं कर सकता, आपका ट्विन भी नहीं कर सकता। तो उस लाइट को छोड़ के बस स्टोरी बनाने में लगे हुए हैं कि हमारे शादी बच्चे पता नहीं क्या क्या सेक्स, सेक्स में तो वो आनंद पाना है हमको, बस क्या करें, बस इसी में लगे हुए हैं कि ट्विन मिल जाए, चलो घूम के आ जाए, टूर पे आ जाए, सेक्स वेक्स कर ले, अभी उम्र निकलती जा रही है, अब क्या बताऊँ, ऐसे कमेंट्स भी आते हैं मेरे पास। तो भाई मैं सेक्स को ऐसा नीचा नहीं समझती, वो भी एक नीड है, बट डिवाइन सोल्स जो होती है वो थोड़ी अलग होती है, सेक्स की नीड इनके अंदर भी होती है, बट फिर भी उनके अंदर वो एक स्पार्क होता है जो जो है आम लोगों में नहीं देखने को मिलता। मैंने क्योंकि कुछ कारणवश मैंने इनके पिक्स मांगे, कुछ वीडियो मांगे, तो उन्होंने सेंड किए और मैंने देखा कि शी इज मतलब एक इनोसेंस सा इनका जो है ऑरा है, तो मुझे समझ में आया, मुझे क्योंकि मुझे बहुत जीवन में अंडरएस्टिमेट किया गया बहुत ही ज़्यादा भयानक तरीके से, कि जो है आप जो हो बहुत गंदे दिखते हो, आपके बालों में डैंड्रफ है, आपके शरीर पे काले तिल है, तुम्हारी जबान काली है, जबान पे तिल है, तुम्हारा चेहरा जो है विकृत दिखता है, पता नहीं मतलब इस तरीके से मुझे जीवन में नीचा दिखाया गया। तो एक कॉन्फिडेंस मेरा ख़त्म हो चुका था और मैं समझती थी कि अच्छा है मेरा डिवाइन मैस्कुलाइन अगर ना आए तो,
क्योंकि मैं रेडी नहीं थी उस चीज़ को फेस करने के लिए। मैं सोचती थी कि थर्ड पार्टी इतनी सुंदर है, उसको मेकअप आता है, सब कुछ आता है, मुझे तो कुछ भी नहीं आता। मैं तो मतलब जैसे टारजन की तरह हजारों साल तक कितने जंगल में भटकती रही हूँ। अब इंसानों के साथ मेरा क्या मैच हो सकता है? इंसानों के साथ मैं कैसे रहूँगी? इंसान कैसे बात करते हैं, कैसे रहते हैं, मुझे कुछ नहीं पता। और ये तो मतलब इसकी वाइफ तो इतनी परफेक्ट है, अगर ये मेरे पास आता है तो मैं कैसे इसको मतलब अट्रैक्ट कर सकती हूँ, नहीं कर सकती हूँ। तो मुझे, मैं उस चीज़ से मन ही मन में डरती थी कि ना ना मुझे नहीं चाहिए तो मैं मतलब किसी भी पार्टनर से डरती थी, कि मुझे लगता था कोई भी पार्टनर अगर मुझे मिलेगा तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं सुंदर नहीं हूँ, पता नहीं क्या हूँ, मतलब बहुत गंदे तरीके से जो है मेरे आत्मविश्वास को जो है तोड़ा गया था। तो इसीलिए ऐसा लगता था कि क्या मेरे अंदर है जो इसको पसंद आएगा। तो जब मैंने इनकी जो मैं जिनकी मैंने कुंडली देखी और इनके मैंने पिक्स देखे, वीडियो देखे, तब मुझे समझ में आया तो ये बात है। तो जो बात है ना वो समझी जा सकती है, वो जो है बताई नहीं जा सकती। तो ये जो बात है वो एक ऑरा की बात है, एक एनर्जी की बात है जो अट्रैक्ट करती है। यहाँ शरीर से सुंदर होना जो है मतलब नहीं रखता, वो चीज़ जो है मतलब नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे जो है आपका ऑरा क्या है, आप क्या सोचते हो, आपकी एनर्जी कैसी है, वो डिवाइन मैस्कुलाइन को अट्रैक्ट करती है। तो ये भी एक डिवाइन फेमिनाइन हो सकती है। और इन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा, इन्होंने मतलब ऐसा कुछ भी नहीं कहा कि देखो भाई मैं डिवाइन फेमिनाइन हूँ या मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ। और बस मेरे पास भी वर्ड्स नहीं थे, उनके पास भी वर्ड्स नहीं थे जो वो कहना चाहती थी। लेकिन जो होता है ना कुंडली जिसकी देखी जाए समझ में आता है कि उसके दिल में क्या चल रहा है। तो मैंने देखा कि वह शनि के साथ जो है गुरु की युति चल रही है, युति नहीं अंतरदशा चल रही है। तो इनके मन में अब आध्यात्मिक सवाल उठने शुरू हो चुके हैं। तो इसीलिए जो है ये सोच में पड़ गई है, कि खोज में पड़ गई है। तो मैंने उनको समझाया कि हाँ हाँ मैं समझती हूँ, आप जो कहना चाह रही हो मैं समझती हूँ। तो उनको भी, उन्होंने भी बहुत थैंक्स दिया मुझे कि आपसे बात करके आज तक इतना अच्छा नहीं लगा, किसी से भी बात करके मुझे इतना अच्छा नहीं लगा जितना आपसे बात करके अच्छा लगा। तो मुझे शब्दों में भी समझ में आया कि ये सोल कनेक्शन है, क्योंकि वो भी 84 से पैदा हुए, उनका भी जो केतु पावरफुल है, कुंडली शक्ति उनके अंदर भी जागना शुरू हो चुके हैं शायद। और इसी वजह से वो जो है तड़प रही है आध्यात्मिक साधनाओं के लिए। और देखो ऐसे भी लोग होते हैं कि जो है ना ईश्वर के लिए तड़पते हैं, और आप जो हो सिर्फ एक लवर्स को लेकर सोच रहे हो कि मैं डीएम हूँ, डीएफ हूँ, पता नहीं क्या क्या हूँ तो ऊपर उठो भाई, और जो है गलत इंसान के हाथ में मत पड़ो, जो कि एक अच्छे चैनल को बदनाम करके उसके सब्सक्राइबर ख़त्म करने पर, उस चैनल को ख़त्म करने पर पड़ा है। आपने देखा पास्ट वीडियोस में मैंने कैसे स्क्रीनशॉट भेजा, कैसे लिंक्स डाले गए कि मेरे चैनल को उड़ा दिया जाए। और आज भी मुझे डर लगता है, नया मोबाइल मैंने ख़रीदा है, इस मोबाइल से उस मोबाइल में मेरा यूट्यूब चैनल ट्रांसफ़र हो तो ऐसे लग रहा है जैसे माँ के गर्भ से बच्चा सुरक्षित वापस आ जाए, उस टाइप की फीलिंग आ रही है। तो हो जाए ब्लेसिंग्स तो आपके, मेरा जो है कोई अच्छा इंसान मुझे मिले और ये यूट्यूब चैनल जो है नया मोबाइल में ट्रांसफ़र कर दिया जाए। तो मुझे बताना था कि ये होते हैं ट्विन फ्लेम्स, जो मतलब ईश्वर के लिए तड़पते हैं, ना कि अपने लवर्स के लिए। तो मुझे एक बात बतानी थी कि हाँ ईश्वर ने मुझे ट्विन फ्लेम जर्नी में डाला। तो मुझे ऐसा लगा कि साई चरित्र में भी एक लाइन बताई गई है कि जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है ना तो माँ जो है खुद ही उसको थोड़ा सा दूर कर देती है, खुद से थोड़ा सा दूर कर देती है मतलब कि अब बच्चा जो है बड़ा हो गया है। तो कुछ ऐसी ही फीलिंग आई मुझे जब टावर मोमेंट हुआ 2020 मार्च में, शिरडी मंदिर बंद हो गए और जो है मुझे लॉकडाउन में अटक पड़ना पड़ा। नीचे मेरा ट्विन रहता था, ऊपर मैं रहती थी, और चारों तरफ बदनामी, मतलब फंसा दिया था उसके साथ नीचे उसकी वाइफ। तो मन कर रहा था भाग जाऊँ मैं यहाँ से, बट वो जो थे फंस गए थे वहाँ पे ट्विन फ्लेम्स। तो कुछ ऐसी ही फीलिंग आई कि ज़बरदस्ती ईश्वर ने जो है इनको ये जर्नी दी है।
कोई सोल पर्पस है जिसकी वजह से जर्नी दी है, वरना तो सब कुछ साक्षात साई बाबा ही मेरे थे। मेरा हर रिश्ता उनके साथ साथ था। भाई भी वो है, मेरे हस्बैंड भी वो है, मेरे माँ भी है, बाप भी है, दोस्त है, मेरा हर रिश्ता उनके साथ है। मेरा, मैं कहती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि मेरा अस्तित्व ही जो है उन्हीं से है, उन्हीं के हार्ट से निकली हुई कोई वाइब्रेशन हूँ मैं, ऐसा मुझे कभी कभी फील होता है। और मैंने ड्रीम्स में भी देखा था, जब मेरे स्टार सीड जर्नी की अवेकनिंग हुई थी, मैंने देखा था कि स्पेसशिप में बैठकर मैं और मेरे फादर जो है शिरडी जा रहे हैं। मतलब हमारा प्लैनेट हमारे साई बाबा है। मैं नहीं जानती कि किस प्लैनेट से मैं आई हूँ। कुछ लोग बोलते हैं कि इंडिगोज, प्लेडियन वगैरह, ये आई डोंट नो। मैं बहुत कन्फ्यूजन में नहीं पढ़ना चाहती। मैं किस टाइप की इंडिगो चाइल्ड हूँ ये भी मुझे नहीं पता है। मैं अगर कोई अच्छे वीडियो मिलता है तो ठीक है, लेकिन मैं खुद उस खोज में नहीं हूँ। और जो भी है, देखो, मैंने एक चैनल में सुना था, मैं खुद ये नहीं कहती यार, मुझे लगता है सच, सारे चैनल्स वाले ना छड़ी लेके आएंगे मुझे पीटने के लिए। कॉपीराइट तो नहीं हो जाएगा मुझे, क्योंकि मुझे, देखो, मैं अकेली रहती हूँ सालों से, मेरा कोई दोस्त नहीं है, कोई इन्फॉर्मेशन मुझे नहीं मिलती है, और मैं इतनी चालाक भी नहीं हूँ 3D के हिसाब से। तो मैंने ऐसे ही एक देखा था कि एक वीडियो में तो डिवाइन फेमिनाइन ने उस बोला था कि जो डिवाइन फेमिनाइन जो है ईश्वर को ही अपना पति मानकर, मतलब जो है मेरा सिर्फ ईश्वर है, ईश्वर को ही अपना पति मान लेती है, और वो जो है अपने जीवन में आगे बढ़ जाती है सारे रिश्ते नातों को छोड़ के। तो ऐसे लोगों के जीवन में जो है ट्विन फ्लेम आता है, उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है और उन्हें ये एक्सपीरियंस आता है। तो सेम यही चीज़ जो है मेरे साथ भी हुई। मुझे, मतलब, इतना हर्ट्स मिले जीवन में, इतने भयंकर हर्ट्स मिले कि मुझे लगा कि बस अब जो है वो ईश्वर है, इसके बिना मैं नहीं रह सकती। यही मेरे हस्बैंड है, यही मेरे श्री कृष्ण है, यही मेरे सब कुछ है, ऐसा मैं साई बाबा के लिए सोचती थी। और एक सेकंड भी जो है मैं उनके सिवा रह नहीं सकती थी। लेकिन बहुत लोग पूछते हैं कि आपका सेपरेशन कैसे हुआ, कैसे हुआ। देखो, कुछ कारण, कुछ ऐसी खास बात नहीं हुई। जैसे कि मैंने कई वीडियोस में बोला कि मेरे हस्बैंड ने जो है हमारी बदनामी करना, ये करना, वो करना कर दिया। किसी एक वीडियो में बताया मैंने वो स्टोरी को। और तो जाहिर सी बात है, जहाँ गलतफहमियाँ फैल जाए वहाँ पे रहने का मन नहीं करेगा। तो मन तो मेरा साई बाबा के पास था, दिल, पर थर्ड पार्टी मेरे डीएम की जो है बहुत इनसिक्योर हो रही थी, और मुझे अलग अलग ड्रीम्स आ रहे थे कि जैसे बहुत सारे कुत्ते भौंक रहे हैं, मैं उनके मुंह पकड़ रही हूँ। मतलब मेरे लिए कॉन्स्पिरसी कोई कर रहा था कि गलतफहमियाँ फैलाना, फिर मैं कहीं ऐसे लोगों के कॉन्स्पिरसी का टारगेट ना बन जाऊँ, ऐसा भी मुझे लगने लगा। एक मैंने एक ये भी देखा कि एक चूहा है जिसको मैं बड़े प्यार से खिला रही हूँ, और अचानक उसने मेरे ऊपर अटैक कर दिया। तो मतलब ये फ्रेंडशिप में दिखाता है कि कोई आपका नियर डियर दोस्त जो है आपके ऊपर अटैक करने वाला है कुछ। तो अलग अलग ड्रीम्स मुझे थर्ड पार्टी के लिए आने लगे, जैसे वो कोई पाँच चीज़ें खा रही हो और मैंने उसको खाते वक्त रोका कि मत खाओ, तुम्हारा पेट बिगड़ जाएगा। तो उसने मुझे कहा कि जो मुझे ये खाते हुए रोकेगा वो नर्क में जाएगा। तो मैं उस निगेटिव वाइब्रेशन से बाहर निकलना चाहती थी, क्योंकि वो जो है इनसिक्योर हो गई थी, और क्योंकि डिवाइन मैस्कुलाइन काफ़ी सारे कनेक्शंस में जाते हैं, तो कहीं, मतलब, वो सोचती थी कि ये मेरा है और ये जो है स्प्रेड हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो हमारा तो ऐसा, मतलब, कुछ था नहीं कि हमने जो है कभी एक दूसरे से बात की हो या कभी फ़ोन पे बात की हो। इतने पास ईश्वर ने रखा था, बट हमने कभी, मतलब, पहचान नहीं दिखाई थी। मैं जो थी उसको एक शत्रु समझ के जो है उससे बात तक नहीं करती थी, और वो दिखा तो भाग जाती थी। फिर एनर्जी तो होता है ट्विन फ्लेम्स में, वो एक दूसरे की एनर्जी को स्टार्टिंग में बर्दाश्त नहीं कर पाते और भाग जाते एक दूसरे को देख के। तो ये हो रहा था हमारे साथ, और अचानक से कुछ हुआ तो ये हो गया। तो इसीलिए मुझे लगा कि मुझे इस एनर्जी से बाहर निकलना है। 2020 था, लॉकडाउन हुआ था, घर वालों की चिंता हो रही थी, कोरोना क्या रूप धारण कर लेगा वो नहीं पता था। तो ऐसे लग रहा था पता नहीं फिर घर जा पाएंगे या ना जा पाएंगे। लॉकडाउन हुआ, उसके बाद भी लॉकडाउन होते रहे, तो उस चीज़ से मैं बहुत डर गई थी। और मुझे लगा कि जो भी हो मुझे अपनी फैमिली के पास जाना है, क्योंकि मैंने एक ड्रीम में देखा कि एक बहुत बड़ी लहर आई और मेरा पूरा गांव डूब गया। तो मुझे बहुत चिंता होने लगी फैमिली की, तो इसीलिए मैंने जो है शिरडी छोड़ दी और हमारा जो है सेपरेशन आ गया।
तो वैसे भी सेपरेशन मतलब कैसे कह सकते हैं ना, मतलब सेपरेशन ठीक है, सेपरेशन था, बट ऐसा भी नहीं था कि हम जो थे लवर्स की तरह एक दूसरे से मिले, बातें की, ना ना बिल्कुल नहीं, मतलब बिल्कुल भी नहीं, वो अजीब ही था थोड़ा सा। तो बस यही था, कहते हैं ना, मतलब हुआ कुछ नहीं और बदनामी हो गई, ऐसा कुछ था वो। मतलब खामखा भगवान ने जो है जानबूझकर बदनामी करवाई कि इस मैटर पे सोचा जाए, मंथन किया जाए और जाना जाए ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में, इसलिए ईश्वर ने जो है हमारी इतनी बदनामी की और इसीलिए हमको जो है सोचने के लिए मजबूर किया इस कनेक्शन के मामले में। थैंक यू।